हाय, तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में। जब आपने कभी जिम ज्वाइन किया होगा तो आपके ट्रेनर ने आपको प्रोटीन के बाद सबसे ज़्यादा रिकमेंड क्रिएटिन किया होगा। यस, तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिन। तो व्हाट इज़ क्रिएटिन? क्रिएटिन इज़ अ अमाइनो एसिड विच इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन आर ब्रेन एंड बॉडी मसल्स। तो हमारी किडनी, लिवर एक दिन में मिलकर हमारी बॉडी में 1 ग्राम तक क्रिएटिन बनाती है, जो हमारी मसल और ब्रेन में स्टोर होता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिन हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं जिसके समय से लेना चाहिए? तो क्रिएटिन की काफ़ी रिसर्च के बाद पाया गया है ये हमारी बॉडी में मसल मास इंक्रीज करता है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन करता है जिसकी वजह से मसल्स बड़ी दिखाई देती हैं। सेकेंड, ऑन लॉन्ग टर्म यूज़ ये आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। और रिसेंटली एक सिडनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई थी जिसमें ये पाया गया अगर आप 6 वीक्स तक कंटिन्यूस क्रिएटिन 5 ग्राम पर डे यूज़ करते हैं तो आपका IQ 16 पॉइंट तक इंक्रीज़ होता है और आपकी मेमोरी भी इंक्रीज़ होती है। तो यस, क्रिएटिन हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और इसका हमें यूज़ करना चाहिए। तो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रिएटिन लोडिंग एंड डीलोडिंग? तो हमारी बॉडी में क्रिएटिन नेचुरली बनता है 1 ग्राम पर डे, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए इनफ नहीं होता, तो हम ऐसे क्रिएटिन को सप्लीमेंट में यूज़ करते हैं। तो कई कंपनीज ये कहती हैं कि हमारे को फर्स्ट वीक में अराउंड 20 ग्राम पर डे कंज्यूम करना चाहिए और नेक्स्ट वीक में अराउंड 10 ग्राम, और उसके बाद अपनी नॉर्मल यूजेज 3 to 5 ग्राम्स में आना चाहिए। इससे हमारी मसल्स में क्रिएटिन लेवल फर्स्ट वीक में इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारे को इसका बेनिफिट फर्स्ट वीक से दिखने लग जाएगा। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट वीक से लोडिंग करनी है, 20 ग्राम्स लेना है। आप इसको 3 ग्राम to 5 ग्राम लेना भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको अराउंड 20 से 25 डेज़ के अंदर इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। नाउ व्हाट इज़ डीलोडिंग? तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि क्रिएटिन को कंटिन्यूस यूज़ के बाद 3 महीने के बाद एटलीस्ट 1 महीने के लिए बंद करना चाहिए, उसको डीलोड करना चाहिए। तो इज़ इट एक्चुअली ट्रू? नो। तो क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्रिएटिन को कंटिन्यूस यूज़ करने से आपकी बॉडी का जो नेचुरल क्रिएटिन प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही आप क्रिएटिन छोड़ेंगे वो वापस अपने लेवल पे आ जाता है। तो देर इज़ नो साइड इफेक्ट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू क्रिएटिन, आपको लगातार क्रिएटिन का यूज़ करना है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको उसका बीच में ब्रेक देना है तो आप उसको ब्रेक भी दे सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, कैन क्रिएटिन कॉज हेयर लॉस? क्या क्रिएटिन के यूज़ से आपके बाल गिर सकते हैं? नहीं, क्रिएटिन आपकी बॉडी में DHT लेवल इंक्रीज करता है। DHT स्टैंड फॉर डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता आपके बाल झड़ने से, हेयर लॉस से, लेकिन अगर आपकी फैमिली में मेल पैटर्न बॉल्डनेस MPB है, मतलब आपके जैसे पापा या आपके दादा को बाल झड़ने की और यहाँ से गंजे होने की प्रॉब्लम थी, तो ये उसको आपकी आपको भी है वो कि जीन्स में, तो ये इसको थोड़ा फास्ट कर देगा। आपके भी बाल जल्दी झड़ सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली, अगर आपकी फैमिली में मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं है तो ये डायरेक्टली आपके बालों को इफेक्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे को किस तरीके का क्रिएटिन खरीदना चाहिए? तो इस समय मार्केट में बहुत तरीके के क्रिएटिन अवेलेबल हैं, लेकिन दो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएप्योर। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अराउंड 90 to 95% प्योर होता है, जबकि क्रिएप्योर अराउंड 99% प्योर होता है। क्रिएप्योर एक जर्मनी बेस्ड कंपनी प्रोड्यूस करती है, जो कुछ ही कंपनीज को हर कंट्री में अपना सर्टिफिकेट देती है और उसको सेल करने देती है। तो क्रिएप्योर कंपेरेटिवली महंगा होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से, लेकिन वो प्योर भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली डाइट पे और आपको एक बजट सप्लीमेंट चाहिए तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की तरफ जा सकते हैं, वो भी एक प्योर फॉर्म में आता है। अब इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो क्रिएप्योर से सर्टिफाइड है? तो इंडिया में कुछ कंपनी है, जैसे कि अभी मैंने ले रखा है, यह है सैम फिट प्रो का क्रिएटिन ट्रू क्रिए, ये क्रिएप्योर सर्टिफाइड है। मसल ब्लेज का ट्रू क्रिए आता है जो क्रिएप्योर से सर्टिफाइड है, और भी कंपनीज हैं इंडिया में जो सर्टिफाइड है, जैसे एक उसा करके कंपनी आती है जो क्रिएप्योर से सर्टिफाइड है। अब आप अगर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले रहे हैं, क्रिएप्योर जब आप लेंगे तो आपको एक सर्टिफाइड मिलेगा, लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में ऐसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। तो हाउ टू चेक कि आपका क्रिएटिन एक्चुअली जेन्युइन है और कोई फेक सप्लीमेंट नहीं है? तो क्रिएटिन का एक सबसे बड़ा फीचर होता है कि अगर आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं, जब आप उसको पानी में शेक करोगे तो वो कभी पानी में डिजॉल्व नहीं होएगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा।
हम शेक करेंगे, ये नीचे क्रिएटिन पानी में नीचे बैठ जाता है और इसको कुछ देर शेक करना पड़ता है, जिसके बाद भी इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती। ये पानी को थोड़ा सा ओपेक बना देता है और नीचे सेटल हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक इफ योर क्रिएटिन इज जेन्युइन। नाउ आपको क्रिएटिन कैसे लेना चाहिए? क्रिएटिन को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में, डिनर में, या फिर प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि क्रिएटिन थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब आप उसको पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होता तो आप उसको क्रिएटिन को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद क्रिएटिन को अपने प्री वर्कआउट में यूज़ करता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ऐसी और इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ या आपको सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज चाहिए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर दे दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या किसी सप्लीमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।